Okay, hello students. I welcome all of you in my world of economics. Fine. So I'm CS Mayank Agarwal, a company secretary by qualification and teacher by passion as well as occupation. I'm the faculty of economics on Unacademy platform. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीयूईटी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स का रिविजन। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ वन शॉर्ट रिविजन फॉर ईच चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मंथ। ठीक है, तो रोज रात 9 बजे आप लोगों की ये सेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, जिस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द लेक्चर्स अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन माय प्रोफाइल। तो मेरे प्रोफाइल पे आपको मेरे सारे स्पेशल क्लासेस, मेरे सारे प्लस क्लासेस आपको मिल जाएंगे। सो डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सब्सक्रिप्शन प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी के लिए जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है वो बहुत नॉमिनल प्राइस पर अभी मिल रहे हैं। 2 महीने का प्लान सिर्फ 3600 का मिल रहा है और 3 महीने का प्लान जो है वो आपको 4950 का मिल रहा है। ये तब मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड एम ए लाइव यूज करेंगे। तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड एम ए लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो ये अभी प्राइसेस है लेकिन 31 मई से बढ़ जाएंगे ये प्राइस 20% तक। मतलब जो प्राइस अभी दिख रहा है वो 20% से अप हो जाएंगे 31 मई के बाद। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस जो भी सीयूईटी के हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हर 3 सेशन के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरा सिलेबस कवरेज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हाल थे जब भारत को आजादी मिली। देखिए, भारत में लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन था। भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उस गुलामी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन उस जो जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने चौपट किया, उसके बाद भारत ने किस तरीके से रिवाइवल किया और आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़े, यही पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग को पढ़ना है। वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर वन के साथ हम ये समझेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी आजादी के समय किस तरीके से थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत की जो आजादी है वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी और उसके पहले ब्रिटिशर्स का शासन था और ब्रिटिशर्स के शासन से मुक्त होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए और उन्होंने क्या क्या बदलाव किया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। What are the topics to be discussed in this chapter? तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है origin and purpose of the British rule, Indian economy के characteristics before the British rule क्या थे, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स के रूल के पहले कैसी थी, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हाल थे, उसके बाद हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से किसी पार्ट का हिस्सा नहीं। नाउ सबसे पहले ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल। भारत में जब ब्रिटिशर्स आए तो किस मकसद से आए, देखिए सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स जो आए थे वो ट्रेड करने के मकसद से आए थे, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में अपना राज्य स्थापित करने लगे और उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया। मीर जाफर नाम का एक गद्दार जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था, वो उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ा गया था उसमें हरा दिया।
बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था भारत के अर्थव्यवस्था के लिए भी और भारत के इतिहास के लिए भी। तो भारत में जो ब्रिटिश एम्पायर की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की स्थापना हुई, वो माना जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 के युद्ध के बाद रखी गई। ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस क्या था? देखिए, भारत में ब्रिटिशर्स आए तो थे ट्रेड करने के मकसद से। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि भारत बहुत ही समृद्ध देश था। भारत की जीडीपी विश्व में सबसे हाईएस्ट जीडीपी हुआ करती थी और इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो उस समय जहांगीर का शासन था और धीरे धीरे उन्होंने परमिशन लेनी स्टार्ट की और धीरे धीरे उनको ट्रेड की परमिशन मिल गई। लेकिन जैसे मैंने बताया, 1757 के बाद इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ गया। तो इनका सोल पर्पस था कि भारत में जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनको अपने देश ब्रिटेन लेकर चले जाए, उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है उसको भारत और विश्व के दूसरे पार्ट्स में ले जाकर बेचा जाए। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज टू मेक इंडिया द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में मशीन मेड गुड्स को प्रोड्यूस करके पूरे विश्व में बेचने का इनका मकसद था। ठीक है, दिस वॉज द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हालत थे ब्रिटिश रूल के पहले? तो ब्रिटिश रूल के पहले बहुत सारे राजाओं का शासन था, जिसमें मुगल थे, मुगल के पहले हमारे और दूसरे भी राजा थे जो हिंदू राजा थे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये सभी जो राजा महाराजा थे इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही समृद्ध और आजाद देश था, मतलब इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, सेल्फ रिलायंट थी, खुद पर निर्भर रहती थी और बहुत ही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते थे। दूसरा है एग्रीरियन इकोनॉमी। भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका मेजर पोर्शन जो है या मेजर पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, देयरफॉर वी कैन से दैट इंडिया वाज एन एग्रीरियन इकोनॉमी। तीसरा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस थी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे कहीं ना कहीं निर्भर करती थी। भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब वो सारे गुड जो हाथ से प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। और इंडिया में इतनी फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते थे कि उसका न सिर्फ देश में डिमांड था बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, भारत में जब ब्रिटिशर्स आए, भारत में ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया गया और ये सारे जो फीचर्स हैं, कॉलोनियल इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, ये सारे के सारे पार्ट्स इन्होंने, मतलब ये सारे के सारे सिचुएशन इन्होंने लाकर रख दिया। एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी की, कॉलोनियलिज्म की। तो देखिए, कॉलोनियल इकोनॉमी क्या कहती है? कॉलोनियल इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर शासन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन वॉज द रूलर ऑफ इंडिया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, सो ब्रिटेन वॉज द रूलर ऑफ इंडिया, सो वी कैन से दैट इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन रूलर था और भारत उसकी कॉलोनी थी। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियलिज्म। ना कॉलोनियलिज्म के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके परिणाम क्या होते हैं? तो कॉलोनियलिज्म का परिणाम काफी खराब होता है। सबसे पहली बात तो ये
कि भारत की अगर एक कॉलोनी है तो उसके जितने भी संसाधन है उसके ऊपर उसके रूलर का कहीं ना कहीं राइट्स होता है और वो और शासन करता है। तो भारत में जितनी भी संपत्ति थी, भारत में जितना भी खजाना था, ब्रिटिशर जो है वो सारे खजाने को अपने देश लेकर चले गए, ब्रिटेन लेकर चले गए। और इनका मेन मकसद था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ग्रो करना, और ये चाहते थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर बन जाए रॉ मटेरियल्स का। मतलब भारत से रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते थे, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में उसको यूज करते थे, और जो फिनिश्ड गुड्स बनता था उसको इंडिया में लाकर बेचते थे। इस तरीके से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से व्यापारीकरण कर दिया था। अगला पॉइंट है स्टेगनेंट इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनेंट? स्टेगनेंट का मतलब होता है जो बहुत स्लो होता है, जो काफी स्लो ग्रो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेगनेंट कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 20th सेंचुरी में बहुत ही कम रेट से ग्रो कर रही थी। रियल एग्रीगेट आउटपुट का जो ग्रोथ था वो मात्र 2% से भी कम था, और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ थी वो 0.5% थी। रियल एग्रीगेट आउटपुट का मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे देश के अंदर टोटल कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं बेस ईयर के प्राइस पर। इसको हम नेशनल इनकम में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रियल एग्रीगेट आउटपुट जो मिड 20th सेंचुरी में था वो 2% से भी कम ग्रो कर रहा था, जबकि पर कैपिटा इनकम का मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करने से जो आएगा वो आएगा आपका पर कैपिटा इनकम, जो 0.5% से ग्रो कर रहा था, जो कि काफी कम था। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर अर्थव्यवस्था काफी स्लो गति से आगे बढ़ती है। अगला बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी? तो देखिए, बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है बेटा? पिछड़ा हुआ। ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पिछड़ गई थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। बैकवर्ड इकोनॉमी में आप ये समझ लीजिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, जहां पर एग्रीकल्चरल एक ऐसा सेक्टर है जहां मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, बट वहां पे ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वो मेथड्स होते हैं जिससे आपका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, ठीक। नेक्स्ट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लिटरेसी की कमी, मेडिकल फैसिलिटीज का न होना, ये बड़ा कारण था कि भारत में बर्थ रेट और डेथ रेट काफी हाई हो गया था। उसके अलावा किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहां शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो, या शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से मोल्ड कर दो, सो दैट उनका जो फाउंडेशन है वो ही पूरा बर्बाद हो जाए। और भारत में जो गुरुकुल थे, भारत में जो जो, जो शिक्षा दी जाती थी वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से मैकॉले और दूसरे राजाओं ने, मुगलों ने बर्बाद कर दिया, जिसके कारण भारत कहीं ना कहीं 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी की। तो यहां पर डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आप पूरे एसेट्स को यूज कर लो, उसको बर्बाद कर लो, और उसको रिप्लेस करने का कोई तरीका ना देखो, ना ढूंढो, ना आपने उसको रिप्लेस किया। तो एन इकोनॉमी वेयर देयर वाज नो अरेंजमेंट्स ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट्स आफ्टर यूज इज नोन एज डिप्लीटेड इकोनॉमी। अब भारत को कैसे डिप्लीटेड इकोनॉमी कर दिया गया, तो ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जिस किसी के साथ भी युद्ध करते थे, जिस देशों में भी युद्ध करते थे, उसमें जो भी उनके सेना को सामान चाहिए रहता था, सेना को जिन भी चीजों की जरूरत होती थी, वो भारत की इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उनका ओवर यूटिलाइजेशन करते थे। देखिए, कोई भी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा यूटिलाइज करोगे, ओवर यूटिलाइज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके फिक्स्ड एसेट्स को, या ये आपके मशीनरी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। यही हुआ भारत में, जो इन्होंने बर्बादी की उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक डिप्लीटेड इकोनॉमी बनकर रह गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कॉन्सिक्वेंसेस की। नाउ व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द दिस ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? तो देखिए, जब आप किसी भी चीज को ओवर यूटिलाइज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आपके
जो इंडिया जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएगी. सो इंडिया बिकेम अ डिप्लीटेड इकोनॉमी. ठीक है, नेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी? एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है समझिएगा. एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब होता है डिवाइडेड इकोनॉमी. एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको डिवाइड करके बर्बाद कर दिया गया. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पहले तो जो राजा महाराजा थे वो आपस में लड़, दूसरा भारत और जब आजाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपके आपका एक घर है जिसमें एक तरफ जो है वो बहुत बढ़िया आम का पेड़ है. ठीक, अब मान के चलिए कि डिवीजन के बाद, बंटवारे के बाद वो आम वाला हिस्सा दूसरी पार्टी को चले जाता है, तो आपको तो नुकसान होगा क्योंकि अब आपको आम नहीं मिल पाएंगे. बिल्कुल उसी तरीके से भारत जब टूटा, मतलब भारत का जब डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो देयर वॉज अ ज्योग्राफिकल डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके कारण हुआ क्या कि जो रिसोर्सेस भारत के पास थे, अब वो कुछ कुछ रिसोर्सेस पाकिस्तान के पास चले गए. जैसे जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, बहुत सारे जो फर्टाइल लैंड थे, जो उपजाऊ जमीनें थी, वो भी पाकिस्तान के पास चले गए. सो ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक था. अब इसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो इसमें एक कॉन्सिक्वेंसेस तो मैंने बता दिया कि रॉ मटेरियल्स की हम लोगों को कमी हो गई क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज पाकिस्तान में चले गए. दूसरा था प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन. देखिए, जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत में, जो भारत के साथ रहना चाहते थे, और भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन कि इतने सारे लोगों को कैसे रखा जाएगा. ठीक, ये सारी चीजों के कारण भारत एक एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी हो गया. नेक्स्ट वन इज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. अब यहां पर समझिएगा, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट को समझना पहले जरूरी है, फिर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी समझेंगे. फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर एक राजा हुआ करता था. राजा के पास बहुत बड़ी जमीन होता था, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता था, लेकिन उस लार्ज एरिया ऑफ लैंड को वो खुद अकेले नहीं संभाल सकता था. तो उसके लिए उसने क्या किया, कुछ पर्संस को अपॉइंट किया जिनको कहा जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स. ये फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को रेवेन्यू देने का काम करते थे उस पर्टिकुलर लैंड से. अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी, जब वहां पर प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन अब फ्यूडल लॉर्ड्स खुद तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए वो लोग कुछ पीजेंट्स को अपॉइंट करते थे, कुछ फार्मर्स को अपॉइंट करते थे जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उसका फायदा उन पीजेंट्स को ना मिलके फ्यूडल लॉर्ड्स उनसे क्या करते थे, वो सारा का सारा गुड्स ले लेते थे और राजा को रेवेन्यू के फॉर्म में दे देते थे कुछ परसेंट, और कुछ खुद रखते थे, इससे कि जो पीजेंट्स थे वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते थे. ठीक है, ये था फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट. अब इसी कंसेप्ट को भारत में जमींदारी सिस्टम के नाम पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, जहां पर किंग की जगह आप समझ लीजिए ब्रिटिशर, फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह आप समझ लीजिए जमींदार, और पीजेंट्स जो हमारे भारत के किसान थे. ठीक, तो इसके तहत भारत में कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म को अपनाया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत में एक और सिस्टम अडॉप्ट किया गया, वो था कैपिटलिज्म का. कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जहां पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उनके ऊपर रिसोर्सेस का अधिकार उनके पास होता है. तो देखिए, जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी तो इससे दो क्लासेस बन गए, एक था कैपिटलिस्ट का और दूसरा था लेबरर्स का. तो यहाँ पर जैसे परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स का ग्रुप बना, उसी प्रकार से यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैपिटलिस्ट और लेबरर्स का बना. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की. अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या बर्बादी इन्होंने की और कैसे की, आइए इसको समझते हैं. तो देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे पहले परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं, उसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया. ये जो सिस्टम था, इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के एरिया में, मतलब लगभग ब्रिटिश इंडिया के 19% इलाकों में ये जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. ये सिस्टम जो है,
इसमें तीन मेजर पार्ट थे, एक थे ब्रिटिशर, दूसरा जमींदार और तीसरा फार्मर। तो ब्रिटिशर जमींदार्स को अपॉइंट करते थे, जमींदार्स जो है वो पीजेंट्स को अपॉइंट करते थे, और बिल्कुल उसी तरीके से चलता था जैसे हमारा फ्यूडलिज्म चलता था। ठीक, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जमींदार्स को दे दिया था। जमींदार्स को कह दिया था कि हमको इतना परसेंटेज रेवेन्यू चाहिए, आपको इस फिक्स्ड डेट पर ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ जमा करना है। अगर आप जमा नहीं कर पाते हो तो हम आपसे जो जमींदारी का हक है वो छीन लेंगे। अब जमींदारी का हक छीनने के डर से जो जमींदार्स थे वो बेसिकली पीजेंट्स को, मतलब फार्मर्स को प्रताड़ित करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। जमींदार हैड टू डिपॉजिट द लगान एट अ फिक्स्ड डेट एंड इफ यू फेल टू डू सो दे हैड टू लूज देयर प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द लैंड। जमींदार को लैंड लगान जो है वो डिपॉजिट करना होता था, एक फिक्स डेट पे नहीं कर पाए तो उनका राइट्स चला जाता था। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है व्यापारीकरण। देखिए, जब भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं था तो भारत बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी वो मेनली सेल्फ डिपेंडेंट थी। मतलब यहाँ पर हम खुद प्रोडक्शन करते थे क्रॉप्स का और उसे यूज करते थे, बट हम ज्यादातर फूड क्रॉप्स में डील करते थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद इन्होंने ऐसे क्रॉप्स पे फोकस किया जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके ब्रिटिश इंडस्ट्री में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के जो किसान थे उनको लालच दिया कि आप लोग कैश क्रॉप्स उगाइए, फूड क्रॉप्स में कोई फायदा नहीं है, कैश क्रॉप्स उगाइए, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे और आप हम लोगों को कैश क्रॉप दीजिए। भारत के जो किसान थे वो भी कैश क्रॉप उगाने लगे, जिसके कारण फूड क्रॉप्स की कमी हो गई, और ब्रिटिशर्स का जो मकसद था रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना वो उनका पूरा हो गया कैश क्रॉप्स के रूप में। इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो कमर्शलाइज्ड हो गई। जैसे कि यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इंडिगो। ठीक है, इंडिगो प्लांट्स, इस इंडिगो प्लांट से बनाया जाता है नील डाई, जो कपड़े को डाई करने के काम आते, कपड़े को कलर करने के काम में आता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल से नीचे जो पिक्चर दिया है उससे बन रहा है कॉटन थ्रेड, कॉटन फाइब फैब्रिक, और उससे बनते हैं कॉटन शर्ट्स। तो कॉटन बॉल्स जो है वो कपास जो है वो ये लेके चले जाते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, वहां पे यूज करते थे और शर्ट्स वगैरह बना के यहाँ पर बेचते थे। ऊपर देख सकते हैं जूट की खेती होती है, जूट की खेती के थ्रू वो लोग जूट प्रोड्यूस करते थे और इसका भी इस्तेमाल वो लोग अपने फायदे के लिए करते थे। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, ब्रिटिश रूल के दौरान टेक्नोलॉजी की कमी थी भारत देश में, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहना होता था, फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए उतने ज्यादा पैसे नहीं थे किसान के पास, जिससे कि ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई। कल्टीवेटर्स के पास कोई तरीका नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए, इरिगेशन के लिए बोरवेल ट्यूबवेल करवाए, ये सब उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ हो गया। द कल्टिवेटर्स हैड नो मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया कि सब कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू होता था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों को मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। बट सिर्फ एग्रीकल्चर सिस्टम या एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं था भारत देश में, भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उतना ही मजबूत था जितना एग्रीकल्चर सेक्टर था। लेकिन भारत की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने साम दाम दंडवित सब कुछ अपनाया और अंततः हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। भारत में जो सबसे फेमस इंडस्ट्री थी वो उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हाथ से बनाया हुए सामान भारत में ही ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बिका करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी के बर्तन है, जो कारपेट्स है, जो कारीगरी की जाती थी कपड़ों में, ये सभी के सभी भारत में बनते थे, और इतनी फाइन क्वालिटी की कारीगरी की जाती थी जिसका लोहा पूरा दुनिया मानता था। ठीक, रॉयल फैमिलीज जो थी विश्व की वो लोग भी इसे यूज करते थे। उसी प्रकार से एक कपड़ा हमारे देश में प्रोड्यूस होता था जिसका नाम था मसलिन। ठीक है,
भारत देश बहुत बड़ा था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों थे। तो बांग्लादेश का जो एरिया था जिसमें मेजर पोर्शन ढाका का जो था, वहां पर एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था जिसको हम कहते थे मसलिन, ठीक है, हिंदी में उसको मलमल भी कहा जाता था, और रॉयल फैमिलीज चूंकि उसको यूज करते थे तो उसको शाही मलमल भी कहा जाता था। तो ये जो मलमल का जो कपड़ा था ये काफी ज्यादा फेमस था पूरे विश्व में इसकी फाइन क्वालिटी की वजह से। और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट, ये सारे हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। अब ब्रिटिशर्स अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद नहीं करते तो उनके जो मशीन मेड गुड्स है वो इंडिया में बिक नहीं पाते। इस वजह से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए कुछ चालें चली। सबसे पहला जो चाल उन्होंने चला वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत की जो इंडस्ट्रीज है उसको तबाह कर दो। एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आप इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हो। दूसरा होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज को बर्बाद करते हो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। इनका दो मोटिव था। पहला, जब अगर यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रहेंगे तो यहाँ के लोगों का रॉ मटेरियल्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यूज करेंगे, जो वो चाहते नहीं थे। तो भारत से रॉ मटेरियल्स वो लोग लेकर जाते थे कहाँ, ब्रिटेन, बहुत चीपर रेट पर, और वहां से फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके वो देश और दुनिया में, मतलब इंडिया और दुनिया में बेचा करते थे। किस कारण से ये बर्बाद हुआ? तो इसका मेजर कारण था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी होता क्या, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान के चलिए कि मैं कोई सामान बेचना चाहता हूँ विदेश में, सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार मुझ पर टैक्स लगाएगी जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि भाई तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, चलो हमको ड्यूटी पे कर। मैंने ड्यूटी पे किया, अब जो ड्यूटी मैं सरकार को पे करूंगा ऑब्वियस सी बात है उसे मैं अपने कस्टमर से वसूलूंगा, जिसके कारण मेरे जो गुड्स का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब अगर मुझ पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार लगा देती है तो इससे होगा क्या कि मेरा गुड्स महंगा होगा और मार्केट में वो गुड्स महंगे में बिकेंगे, जिससे कि हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति अपना सामान इंडिया में लेकर आता है तो सरकार उसके ऊपर टैक्सेस लगाएगी क्योंकि इससे सरकार को फायदा होगा। अब अगर उस पर टैक्सेस लगाती है तो फिर यहां पर उसकी गुड्स महंगे बिकेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरे ऊपर तो सरकार टैक्स लगा रही है, ड्यूटी लगा रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन विदेश से जो फिरंगी व्यक्ति बेचने के लिए आ रहा है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगा रही, तो उसके गुड्स हो गए सस्ते, मेरे गुड्स हो गए महंगे। इस वजह से हो क्या रहा था कि भारत से जो हैंडीक्राफ्ट जा रहा था ब्रिटिशर्स उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, लेकिन विदेशों से, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स बन के इंडिया में आते थे उसके ऊपर वो कोई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करते थे। दूसरा, भारत देश से जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे वो कहां, ब्रिटेन में, उसके ऊपर भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, जिसके कारण रॉ मटेरियल्स उनको सस्ता मिलता था। तो यहां से लेकर जाते थे ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल, वहां से लाते थे ड्यूटी फ्री फिनिश्ड गुड्स, और भारत से अगर कोई फिनिश्ड गुड्स जा रहा होता था तो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब एक ऐसा टैक्सेशन पॉलिसी, एक ऐसा पॉलिसी जो भेदभाव पूर्ण था, जिसमें भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसका क्या एडवर्स इफेक्ट था, इसके क्या दुष्प्रभाव थे। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई, दो तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं। पहला था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और उसके ऊपर आप उसमें 10 लोगों को एम्प्लॉय किए और गलती से आपका बिजनेस बर्बाद हो गया तो वो 10 के 10 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। दूसरा, जब बेरोजगारी बढ़ी, जब हमारे देश में उत्पादन ही नहीं होता था तो फिनिश्ड गुड्स के लिए हम लोगों को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था और वहां से हम गुड्स को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट था लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब देखिए, ये लोग ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है, वह इंडस्ट्रीज जो मशीन्स बनाती है उसको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं।
सो भारत में मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था, वो चाहते थे कि भारत डिपेंडेंट रहे ब्रिटेन के ऊपर फॉर मशीनरी ताकि उनका सेल बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, ऑब्वियस सी बात है कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी काफी कम होगा। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखिए सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो सिर्फ कुछ ही जगहों पर इंटरफेयर करती थी, कुछ ही जगहों पर ध्यान देती थी जो उनका फायदे की चीजें थी। जैसे रेलवे, रेलवे वो लोग इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, और इसका मेजर कारण था कि भारत में रॉ मटेरियल जो है वो गाँव के इलाकों से रोड्स के थ्रू रेलवे तक लाया जाए, रेल के थ्रू शिप तक ले जाया जाए, और शिप के थ्रू फिर ब्रिटेन लेकर जाया जाए। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग रेलवे इंट्रोड्यूस किए थे। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये सारे जगहों पर इन लोगों का इंटरफेरेंस मेजर था, क्योंकि सब इनके इंटरेस्ट की चीजें थी। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। देखिए पुराने जमाने से भारत का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो इंडिया वाज वेरी फेमस फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड। हालांकि ब्रिटिशर जब आए तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिससे कि भारत के फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, वॉल्यूम सब कुछ खराब हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो भारत देश और विदेश में अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेचा करते थे, विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे अपने फिनिश्ड गुड्स को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बनाकर रख दिया। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन बॉल यहाँ लाते। नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब देखिए ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था, मतलब ब्रिटिशर्स का जो मोनोपोली था वो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था तो मोर देन 50% ऑफ द फॉरेन ट्रेड इंडिया का ब्रिटेन के साथ होता था। बाकी के जो फॉरेन ट्रेड थे वो चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ होता था। यहाँ श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था और ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था। अब ये फॉरेन ट्रेड किस रूट के थ्रू होते थे, तो वो रूट था स्विस कैनाल का। ठीक है, आगे स्विस कैनाल हम लोग डिस्कस करेंगे। स्विस कैनाल क्या है, देखिए पहले हुआ क्या करता था कि भारत तक पहुंचने के लिए ब्रिटिशर्स को पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है यहां से आप देख सकते हैं ये लंदन से ये पूरा होते हुए अफ्रीका के रास्ते ये भारत पहुंचते थे, जिससे इनका जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा हो जाता था। लगभग 19,800 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस था। अब कुछ ऐसा किया जाए जो कि काफी लंबा रूट भी था और काफी महंगा भी पड़ता था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक दूसरा रास्ता खोजा जो यहां से ऐसे होकर गुजरता था। अब यहाँ एक्चुअल में प्रकृति के द्वारा कोई रास्ता नहीं दिया गया था, मतलब नेचुरल रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो था ये पूरा लैंड मास का एरिया था, मतलब दोनों तरफ से, चारों तरफ से लैंड ब्लॉक्ड था। ठीक है, तो लैंड ब्लॉक्ड होने की वजह से यहाँ पर जो है वो रास्ता नहीं हुआ करता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कैनाल बनाया जो एक आर्टिफिशियल कैनाल था। जहां यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ छोटा सा ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू एरिया है और इधर ब्लू ब्लू एरिया है, ये बेसिकली सी थे, मतलब सी है अभी भी है, ठीक है खत्म नहीं हुआ है। तो एक तरफ था रेड सी, दूसरी तरफ था मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो था नीचे वाला एरिया ये रेड सी था और ये जो था ये मेडिटेरेनियन सी था। लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करता था एक लैंड मास का एरिया जो इजिप्ट के पास था, और ये जो लैंड मास का एरिया था इसी को अगर काट दिया जाए, इसी को अगर ड्रिल कर दिया जाए तो एक रास्ता बन जाएगा जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ दे। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी अगर
अगर जुड़ जाते हैं तो आराम से शिप्स जो है वो वहां से पास होके ब्रिटेन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगी, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा अफ्रीका के थ्रू ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से वो निकले, यहाँ पर वो सुएस कैनाल पर पहुंचे, यहाँ से वो आराम से लंदन पहुंच सकते हैं। इससे इनका काफी ज्यादा जो एरिया है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों को ज्वाइन करता था। स्विस कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, जिससे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हुआ और इंडियन मार्केट तक पहुंच जो है वो भी काफी इजी हो गई। कैनाल जो है वो एक डायरेक्ट ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड करता था, जिससे कि बहुत ही ज्यादा इजी हुआ ब्रिटिशर्स को भारत को लूटने में। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत में जितने भी धन संपत्ति थी, भारत में जितना भी पैसा था, वो ब्रिटिशर्स लूट के चले गए। कंडीशन ऐसी हो गई कि भारत प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन के रह गया। भारत से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट सरप्लस देश था। लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस जो था, वो फायदा जो था, वो भारत को ना मिलके ब्रिटिशर्स उठाते थे। ब्रिटिशर्स उस एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या करते थे, जो भी ऑफिसेस ये मेंटेन करते थे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में ये लोग ऑफिसेस मेंटेन करते थे, जो भी युद्ध लड़ते थे, जितना भी पेमेंट होता था, जितने भी खर्चे होते थे, ये लोग सब भारत के एक्सपोर्ट सरप्लस से ही यूज करते थे। अगला था इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। तो इनविजिबल आइटम्स का मतलब सर्विसेस, तो बेसिकली जो सर्विसेज ये लोग यूज करते थे, उसका भी पेमेंट ये लोग एक्सपोर्ट सरप्लस से किया करते थे। मतलब सब कुछ हमारे पैसे से अपने फायदे के लिए करते थे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका परसेंटेज कितना है। मतलब कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में, कितने परसेंट लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कितने परसेंट लोग सर्विस सेक्टर में, उसी का रेशियो, उसी का परसेंटेज क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में क्या था। तो यहां पर देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में 70-75% ऑफ टोटल वर्क, मतलब अगर 100 लोग टोटल काम कर रहे हैं, तो उसमें 70-75 लोग एग्रीकल्चर में थे, 10 लोग मैन्युफैक्चरिंग में, और 15-20 लोग सर्विस सेक्टर में। तो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का जरिया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, दूसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर, तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल वेरिएशन की। तो देखिए, भारत में अलग अलग स्टेट्स में चीजें परिवर्तित हो रही थी। जैसे कुछ स्टेट्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही थी, और कुछ स्टेट्स जहां एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रभाव बढ़ रहा था। तो ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो रहा था, तो वो था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। वही कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो रहा था, तो वो उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स थे। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम अपने पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, सो डेमोग्राफिक एनालिसिस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा। जिस तरीके से एक इंसान की जो क्वालिटी है वो पता चलती है कि उसकी एजुकेशन लेवल से, उसके हेल्थ से, उसके मेंटल स्टेटस से, उसके सोच से, उसी प्रकार से पॉपुलेशन की भी जो पैरामीटर्स है, पॉपुलेशन को मेजर करने के जो पैरामीटर्स हैं, वो उनके लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सबसे पता चलता है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमें ये सारी चीजें बताता है। तो देखिए, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम लोगों को कुछ सर्वे करने पड़ते हैं। जैसे कि भारत में होता है जनगणना, तो भारत में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था। 1881 में जो सेंसस हुआ था, उससे इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के अनइवननेस के बारे में पता चलता था। मतलब भारत की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी बढ़ रही थी, इस टाइप का सिचुएशन था। नेक्स्ट है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1931 के बाद चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिला, मतलब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला 1931 में, इसलिए उसे कहा गया ईयर ऑफ ग्रेट
डिवाइड। अगला पॉइंट है लिटरेसी रेट का। देखिए ओवरऑल लिटरेसी रेट जो थी भारत की वो 16% से भी कम थी, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट लगभग 7% की थी। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी, फीमेल लिटरेसी रेट 7% के लगभग थी, इसके कारण जो है वो इम्बेलेंस हुआ। भारत में लिटरेसी रेट काफी कम होने की वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो ज्यादा इजीली कंट्रोल कर पाए। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, एक साल में हर हजार बच्चे में कितने, हर हजार की पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा होते हैं और हर हजार की पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ होती है, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। अब बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। बर्थ रेट क्यों ज्यादा था, लिटरेसी की कमी। डेथ रेट क्यों ज्यादा था, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज नाम मात्र के थे, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास तो अवेलेबल ही नहीं थे, और कहीं अगर अवेलेबल थे भी तो वो उतने सफिशिएंट नहीं थे जितने होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी तो जो डिसीज होंगे आपको, चाहे वो एयर बॉर्न डिसीज हो, वाटर बॉर्न डिसीज हो, ये सारे जो डिसीज है इससे आपकी हेल्थ फैसिलिटी काफी एडवर्सली अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बेसिकली मतलब होता है कि जब एक साल में हर हजार बच्चे में एक साल कंप्लीट होने से पहले कितने बच्चों की मौत हो गई। नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग वन ईयर ऑफ एज पर 1000, हर हजार के पॉपुलेशन में जो एक साल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने लोग एक साल कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था, आज 33 पर 1000 है। ठीक है, तो 218 पर 1000 और आज 33। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ऑन एन एवरेज कितना साल एक व्यक्ति जीता है उस देश का, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। भारत में मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से, पोअर हेल्थ कंडीशन होने की वजह से ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो मात्र 32 साल का था, जो आज की डेट में बढ़ के 69 इयर्स के लगभग है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए मतलब चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक किसान जो कि अनाज उगाता है और उसे बेचना चाहता है। अब अनाज उगाने के लिए उसको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, सबसे पहले तो उसको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, पानी सिंचाई, ठीक है, अच्छा बीज, अच्छे खाद। जब वो फसल उसकी तैयार हो जाए तो उस फसल को मंडी तक ले जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज काफी फास्ट हो और समय पर उसके गुड्स मार्केट तक पहुंचे, इसके लिए अच्छे रोड्स होना जरूरी। फिर मंडी में अगर टाइम, मतलब अगर मान लीजिए उसके गुड्स और मार्केट में बिकने, तो गुड्स के प्रोड्यूस होने और मार्केट में बिकने के बीच में डिफरेंस है, उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज एक किसान को चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने फायदे के लिए, उन्होंने रोड्स बनाए। रोड बनाने का प्राइमरी मकसद था कि जो उनकी आर्मी थी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके और रॉ मटेरियल्स को भी ये लोग आसानी से शिफ्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। जो भी लोग रूरल एरियाज में रहते थे वो काफी ज्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि सड़कें बहुत वाहियात और खराब थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की जो सड़कें थी वो जो है वो कच्ची सड़कें थी और राइट साइड में जो है वो पक्के रोड्स हैं। मैंने ये जब हम गांव में रहते थे, जब मेरा बचपन गांव में गुजरा, इसी प्रकार का जो है रोड्स हुआ करते थे। और एक बार ऐसा हुआ था, बहुत बारिश हुई थी, रोड इसी तरीके से खराब हुई थी एंड आई वॉज स्टक इन दलदल। तो दलदल में मेरा जो है पैर फंस गया था। तो मुझे अच्छे से पता है कि गांव वालों को कितनी परेशानी हुआ करते थे। हालांकि आज हम काफी ज्यादा डेवलप कर गए हैं और कहीं सभी जगह पर लगभग पक्के रोड्स बन गए हैं, कुछ जगहों को छोड़कर। रेलवे की बात करें, दूसरा और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट इन्होंने किया भारत देश में वो था रेलवे का इंट्रोडक्शन, मतलब रेलवे को लाना। हालांकि ये जो रेलवे लाए थे अपने फायदे के लिए लाए थे, भारत में बाद में इसे अपने फायदे के लिए यूज किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द ब्रिटिश रूल वॉज
इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली, और जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज था बॉम्बे और ठाणे को लिंक करने का, वो 1854 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1853 1854। नेक्स्ट, रेलवे के आने के बाद क्या हुआ, तो देखिए पहले लोग जो है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते थे, और करते भी थे तो काफी ज्यादा टाइम लगता था, जिससे एक ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता था, कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता था, और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आज हम किसी भी स्टेट में आसानी से जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो रेलवे के ये कॉन्सिक्वेंसेस थे कि इंटीग्रेशन काफी बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ गया। क्यों कमर्शियलाइजेशन बढ़ा, क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो जो प्रोड्यूस करता था उसको रॉ मटेरियल्स के तौर पे ये इस्तेमाल करते थे, रेलवे के थ्रू वो रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे शिप्स तक, और शिप्स के थ्रू फिर वो लेकर जाते थे ब्रिटेन। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें कुछ बेसिक जानकारियां आपको जाननी है। टाटा एयरलाइंस जो कि एक डिवीजन था टाटा एंड सन्स का, वो एस्टेब्लिश हुआ 1932 में, जिससे एविएशन सेक्टर में प्रवेश किया गया। अगला था वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो इनलैंड ट्रेड और सी लिंक्स को भी डेवलप किया, मतलब भारत के अंदर जो सी रूट्स है उसको भी ये लोग डेवलप करने का सोचे, लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन था और ये बहुत ही कॉस्टली डिसीजन था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उड़ीसा कोस्ट कैनाल डेवलप करने का सोचा, लेकिन उड़ीसा कोस्ट कैनाल काफी महंगा प्रोजेक्ट हो गया, मतलब जितना इन्होंने बजट बनाया था उससे कहीं ज्यादा इसमें लग गए, और ये काफी बोल सकते हैं कि फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि इसका इस्तेमाल ये लोग करते नहीं थे, कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी काफी हाई था एज कम्पेयर टू रेलवेज, जिसके कारण ये पूरा बर्बाद हुआ। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, दैट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट चिट्ठी पत्री, और टेलीग्राफ जो था वो ब्रिटिशर्स यूज करते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेलीग्राफ आपको दिख रहा है ये टेलीग्राफ का इस्तेमाल वो लोग करते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो पोस्टल सर्विसेज थे वो पब्लिक पर्पस के लिए काफी यूजफुल थे, लेकिन उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं, मतलब उतने ज्यादा एडिक्वेट नहीं थे, यूजफुल तो थे बट एडिक्वेट नहीं थे, मतलब इन लोग पोस्टल सर्विसेज काफी ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया रोड रेलवे ये लोग क्यों डेवलप किए, सब कुछ अपने फायदे के लिए किए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिसलिनियस टॉपिक, कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, भारत में जो इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया ये अपने फायदे के लिए यूज किया था, लेकिन भारत ने इसे बाद में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सो रेलवे प्रूव्ड टू बी द बून फॉर इंडिया, भारत के लिए एक तरीके का वरदान था, क्योंकि हम न सिर्फ गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, बल्कि हम खुद भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक तरीके का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसमें भारत में जो भी फूड ग्रेन्स था उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया गया था, और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण भारत में जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो बढ़ गई थी, मतलब इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। हालांकि ये बहुत बाद में हुआ, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे जब लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवोल्यूशन का की नींव रखी, और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भारत सेल्फ सफिशिएंट हुआ फूड ग्रेन्स में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया, ये किस तरीके से इतने बड़े देश को संभालते थे, किस तरीके से इन्होंने पूरे इतने बड़े देश को चलाया, और ब्रिटिशर्स ने क्या सिस्टम अपनाया था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ये काफी कुछ सीखने वाली बात थी जो भारत ने अडॉप्ट की। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द रोड और रेलवे जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ही मेजर मोड थे, जिससे कि किसी भी प्रकार की विपदा किसी भी प्रकार की आपदा फेमाइंस इससे लड़ने में मदद मिलती थी।
So roads and railways mode of transportation helped in combating famines. Systematic exploitation of India. देखिए इंडिया जो थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश काल के दौरान भारत एग्रेरियन इकोनॉमी थी. एग्रीकल्चर सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था. इंडिया जो है वो इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गया था. नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. भारत में जो घरेलू उद्योग थे जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे इसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया था. सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थे जो भारत में इस्टेब्लिश हो रहे थे. एक तो मैंने आपको टाटा एंड सन्स का जो टाटा एयरलाइंस है वो आपको बताया ही. स्कोप जो था ध्यान से समझिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज का वो कुछ एरियाज में सीमित था. देखिए पहली बात तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो मेनली कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज. ठीक है कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज तक सीमित थी. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को डोमिनेट करते थे इंडियंस और जूट इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करते थे फॉरेनर्स. तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो मेनली गुजरात और महाराष्ट्र में सिचुएटेड थी, जबकि जूट मिल्स जो फॉरेनर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता था वो मेनली बंगाल तक सीमित थे. टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. टिस्को जो था वो एक बहुत मेजर इंडस्ट्री था. जमशेदपुर में ये एस्टेब्लिश हुआ था 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन. जब भारत देश टूट गया दो हिस्सों में इंडिया और पाकिस्तान में तो इससे हुआ क्या कि जो बहुत सारे फर्टाइल लैंड्स थे उपजाऊ जमीनें थी वो पाकिस्तान में चली गई और भारत को कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ. दूसरा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो भी पाकिस्तान में चले गए जिससे हमारे जूट इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाता था. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. अब देखिए ब्रिटिश रूल के दौरान नेशनल इनकम का एस्टिमेशन ब्रिटिशर नहीं करते थे तो कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स लिए गए. दादा भाई नरोजी विलियम दिग्भाई फिंडले शिरास और वी के आर बी राव के द्वारा. तो सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने स्टेप लिया लेकिन सबसे साइंटिफिक और सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन वी के आर बी राव ने दिया. ठीक है ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं. चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं. मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश वॉज परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है मेजर रीजन क्या था मेन रीजन क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर के स्लो ग्रोथ का वो था परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट किया गया था 1881 में. एक्सपोर्ट सरप्लस जो था ब्रिटिश रूल का वो यूज किया जाता था अपने ऑफिसेस को के एक्सपेंसेस पे करने में, युद्ध लड़ने में और इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने में. नेक्स्ट जो फाउंडेशन था ब्रिटिश एम्पायर का वो बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था जो 1757 में लड़ा गया था. इंडिया जो है विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो सबसे ज्यादा झटका किस इंडस्ट्री को लगा तो वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इन्होंने बर्बाद कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेविली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन लैक ऑफ रॉ मटेरियल. ये लैंड ऑफ रॉ मटेरियल लैक ऑफ रॉ मटेरियल सो लैक ऑफ रॉ मटेरियल फेमाइंस अर्थक्वेक्स एटसेट्रा. करेक्ट आंसर इज लैक ऑफ raw materials. British will introduce railways in India in the year. कौन से year में Britishers ने railway introduce किया था? तो answer is 1850. More than half of India's foreign trade was restricted to A. China, B. Britain, C. Korea और D. Sri Lanka. तो India के मतलब 50% से भी ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो foreign trade था वो ब्रिटेन के थ्रू हुआ करता था. मतलब जो इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड था उसका 50% से ज्यादा ब्रिटेन के थ्रू होता था. नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो बर्बाद हुई उसके कारण बहुत ही ज्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. फिनिश गुड्स का इंपोर्ट बढ़ गया. ठीक कौन सी इंडस्ट्री पार्टीशन के बाद अफेक्ट हुई? तो जूट इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा अफेक्ट हुई पार्टीशन के बाद क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज चले गए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में. मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज एग्रीकल्चर.
ओपनिंग ऑफ सुएस कैनाल कब हुआ? द ओपनिंग ऑफ सुएस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया श्रीलंका, इंडिया अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ब्रिटेन. करेक्ट आंसर इज इंडिया ब्रिटेन. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921. ठीक है. विच ऑफ डैश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? आंसर वॉज आंसर इज रेलवेज. Occupational structure refers to A. Distribution of working force among the different occupations. B. Nature of different occupation. Size of working force in a country or number of people living in a country. The answer is distribution of workforce among different occupation. Primary, secondary or tertiary में जो workforce का distribution था ये occupational structure को define करता है. ठीक. So I hope you all are very clear with this revision बेटा. आपको समझ में आ गया होगा कि किस type के questions आपके sorry इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. ये सब कुछ जो है ये आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है. इसी प्रकार से मैं आपके लिए चैप्टर्स और अलग अलग जो टॉपिक्स है वो लाता रहूंगा. एक बार मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देता हूँ जो हमारा यूट्यूब के जो सेशंस होंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं, कौन कौन से दिन पर, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा ये सीयूईटी के टॉपिक्स हैं जो मैं यूट्यूब पर लेने वाला हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था स्ट्रेटेजिक डिस्कशन ऑन सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर सीयूईटी एग्जाम 9 बजे. रिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हम लोगों ने कर लिया. आज रात 9 बजे हम लोग मनी और बैंकिंग का रिविजन करेंगे. ठीक. एम्प्लॉयमेंट का रिविजन करेंगे 28 तारीख को 4 बजे. इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवीजन करेंगे हम 29 तारीख को रात 9 बजे और डिमांड का रिवीजन हम करेंगे 30 तारीख को रात 9 बजे. तो ये सभी के सभी टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए. आप लोग इसको जरूर अटेंड कीजिएगा. आज मनी और बैंकिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे रात 9 बजे. ठीक है. गुड मॉर्निंग प्रणव कुमार सिंह. ठीक है. सो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करें इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड एमए लाइव. मेरा रेफरल कोड है एमए लाइव. ठीक. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलेंगे अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय. अच्छा सीयूईटी के प्लस कोर्सेज की भी मैं जानकारी दे दूं बेटा. अभी प्लस क्लासेस जो है वो 2 टाइम चल रही है, एक सुबह 9 बजे और एक शाम को 4 बजे. ठीक है. तो आप सुबह 9 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और शाम को 4 बजे भी आप लोगों की प्लस क्लासेस चलेगी. तो 2 टाइम आपके प्लस क्लासेस होंगे.